वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, रिमूव टू ऑमिट टू। सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो अकेडमिक हो कॉम्पिटिटिव हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पहला रूल आपकी स्क्रीन पर है, यदि टू प्लस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव आया हो, टू प्लस एडजेक्टिव इन्फिनेटिव आया हो, तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, टू के स्थान पर सो लिख देंगे। इस टू के स्थान पर क्या लिख देंगे, सो लिख देंगे, और इन्फिनेटिव के स्थान पर नेगेटिव दैट क्लॉज लिख देंगे। दैट से एक दूसरा एक क्लॉज तैयार करेंगे, क्लॉज के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, और अधिकांशतः इसमें जो साइक्री आएंगे बेटा दैट क्लॉज में, वो कैन और कुड आएंगे। ये प्रेजेंट में टेंस है तो कैन आ जाएगा, पास्ट में तो कुड आ जाएगा अधिकांशतः, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट हिज गर्ल, तो ही इज सो प्राउड, टू के स्थान पर सो आ गया। अब यहां इन्फिनिटिव के स्थान पर दैट क्लॉज, दैट से दूसरा वाक्य बनाएंगे और दूसरा क्लॉज बनाएंगे तो ही सब्जेक्ट पहले वाला ही आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो कैन आएगा, नॉट एक्सेप्ट हिज गर्ल। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम टू टायर्ड टू वॉक मोर, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक मोर। नेक्स्ट है बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि टू के बाद नॉट आया हो इन्फिनिटिव से पहले, ठीक है, अथवा टू के स्थान पर इनफ आया, तो क्या करेंगे, दैट क्लॉज में हम जो नॉट लगा रहे थे वो नहीं लगाएंगे, यानी उसको हम अफर्मेटिव बना देंगे, ठीक है। जैसे द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड नॉट टू फॉरगिव यू, देखो टू के साथ अगर यहां नॉट आ गया तो दो नेगेटिव जो है वर्ड अफर्मेटिव मीनिंग देते हैं, इसलिए इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा अफर्मेटिव बन जाएगा। तो द लैंडलॉर्ड इज सो काइंड दैट ही कैन फॉरगिव यू। कई बार कैन के स्थान पर बिल आ जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन देख लेना, अगर बिल वाला ऑप्शन है तो बिल लगा देना, कैन वाला ऑप्शन है कैन लगा देना, दोनों दे रखे तो आपको कैन को सूटेबल मानना, ठीक है। अगला है, सी इज वाइज एनफ टू टॉप द कॉलेज, तो सी इज सो वाइज, अब ध्यान रखना है इनफ अकेला ऐसा एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो पीछे आता है, बाकी सब आगे आते हैं, तो सो आगे आएगा, वाइज दैट सी कैन टॉप द कॉलेज। नेक्स्ट रूल है, टू प्लस एडजेक्ट के बाद इन्फिनिटिव से पहले फोर प्लस ऑब्जेक्ट आया हो तो क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को दैट क्लॉज का सब्जेक्ट बना देंगे, उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, दैट क्लॉज का सब्जेक्ट बना देंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे, पहले वाला सब्जेक्ट ही दैट क्लॉज का सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन अगर देखिए इन्फिनिटिव से पहले फोर प्लस ऑब्जेक्ट दिया, ये इन्फिनिटिव है फोर प्लस ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, दैट क्लॉज का सब्जेक्ट बना देंगे। टी इज सो हॉट दैट, मी का सब्जेक्ट आई हो गया, कैन नॉट टेक इट। उसका एग्जाम्पल था, क्राउड वॉज टू लार्ज फोर प्लस टू कंट्रोल इट, तो यहां फोर प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये इन्फिनिटिव हो गया, द क्राउड वॉज सो लार्ज दैट पुलिस। अब देखिए ये पास्ट में था तो यहां बेटा कुड आएगा, कुड नॉट कंट्रोल इट। नेक्स्ट रूल है, यदि टू प्लस एडजेक्टिव बाद फोर प्लस इंडेफिनेट आर्टिकल प्लस कॉमन नाम आया तो, और इन्फिनिटिव नहीं दिया, तो क्या करेंगे, उस कॉमन नाउन को दैट क्लॉज में ऑब्जेक्ट बना देंगे, और मेन वर्ब के स्थान पर जो यूज करेंगे वो हम बी यूज करेंगे, यानी कैन कुड के बाद जो मेन वर्ब हमें चाहिए वहां पर बी लगा देंगे। एग्जांपल है, गौरव इज
सोडल दैट, अब सब्जेक्ट तो इसी को बनाएंगे, ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. नेक्स्ट, ये टू प्लस एडजेक्टिव आज फोर प्लस प्रोनाउन अथवा प्रॉपर नाउन आया हो, वहां इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ कॉमन नाउन आ रहा था, यहां प्रोनाउन आएगा अथवा प्रॉपर नाउन आएगा, तो क्या करेंगे, और इंडेफिनिट नहीं दिया होगा तो उस नाउन या प्रोनाउन को दैट क्लॉज का सब्जेक्ट बना देंगे, और चूंकि इंडेफिनिट नहीं दिया है तो दैट क्लॉज में जो मेन वर्ब के स्थान पर यूज करेंगे वो मैच फोर या फेस व्यक्तियों के लिए यूज करेंगे, और बीयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए यूज करेंगे. तो इट इज टू कोल्ड कोल्ड फॉर हर, इट इज सो कोल्ड, इट इज सो कोल्ड. बाकी नियम तो वही वाला है, दैट से दूसरा क्लॉज जोड़ेंगे तो हर को सब्जेक्ट बना देंगे, सी कैन नॉट. अब देखो, अब यहां इट की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा, बियर आएगा, बियर. और यहां सब्जेक्ट कोई लिविंग होता तो हम क्या लगाते, मैच फोर या फेस लगा. दूसरा एग्जांपल हम देख लेंगे, विष्णु इज टू स्ट्रांग फॉर मी, विष्णु इज सो स्ट्रांग दैट, मी को आई कर देंगे, आई कैन नॉट फेस हिम. फेस या मैच फोर क्योंकि हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट रूल है, यदि टू मच आया हो, यानी इसी का है, यदि टू मच आया हो, पहले वाले रूल का ही है, यदि टू मच आया हो तो क्या करेंगे, टू मच को सो बैड या सो शॉकिंग कर देंगे, बाकी नियम तो ऊपर वाला है. इट इज टू मच फॉर मी, इट इज सो मच, सॉरी सो बैड या सो शॉकिंग कर देंगे, दैट मी का आई कर दिया, कैन नॉट, चूंकि यहां सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, इट आ रहा है तो यहां बियर लगा देंगे, बियर इट. और लास्ट रूल है बेटा इसका, ये तो टू प्लस इन एडजेक्टिव जो है वह अत्यधिक का बोध कराए, इसका अत्यधिक का एक्सेसिव का बोध कराए और इन्फिनिटिव नहीं दिया हो, तो बाकी को चार प्रकार से बताया था. पहला तरीका है कि टू के स्थान पर एक्सट्रीमली ओवर वेरी आद लिख देते हैं, दूसरा है कि टू को हटाकर बाकी के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं, तीसरा तरीका है एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं और देन के बाद सब्जेक्ट प्लस शुड भी लिख देते हैं, चौथा तरीका है एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं और देन के बाद इट इज प्रॉपर लिख देते हैं. एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, सी इज टू हंग्री, सी इज टू हंग्री, तो वो अत्यधिक भूखी है, तो सी इज एक्सट्रीमली हंग्री, पहला तरीका. दूसरा तरीका है सी इज हंग्री बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तीसरा हो जाएगा तरीका सी इज मोर हंग्री देन सी शुड बी. और चौथा तरीका हो जाएगा सी इज मो हंग्री देन इट इज प्रॉपर.
उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो उसको अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तक और नई क्लासेज आप तक पहुँचती रहें।